हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो हम सीखेंगे ये जो हमने नेल स्टिप लगाई है इसको ब्लेंड करने का तरीका, ताकि जो हमारा नेचुरल नेल है और हमारा ये आर्टिफिशियल नेल है दोनों की जो यहाँ पे जो लाइनिंग है इसको ब्लेंडिंग करने से ये मर्ज हो जाए और जो हमारा नेल्स है वो एकदम से पूरा नेचुरल लगे। तो इसको ब्लेंडिंग करने के लिए हमें बफर की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास बस बफर है, ये बनाना बफर है 100 180। तो अलग अलग टाइप के बफर मिलते हैं, आप कोई सा भी ले लीजिए। बफर हमेशा हार्ड क्वालिटी का लीजिएगा, ये देखिए, ये जो मूव ना हो। अगर हम जो सस्ती क्वालिटी का जो हम बफर लेते हैं वो हमें जो ब्लेंडिंग लाइन है हमारी वो ढंग से नहीं होती, और ब्लेंडिंग लाइन के लिए हमें जो इस तरह से अपना बफर पकड़ना है और इसको हल्के हल्के से मूव करना है। सबसे पहले हम साइडों से मूव करेंगे और हमने जो बफर है उसको ही, ये जो हमारा दूसरा जो नेल्स है जो हमने टिप्स लगाई है, हमने इसको बफर करना है। हमने नेचुरल नेल को बफर नहीं करना। अगर हम नेचुरल नेल को बफर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा नेल बेड है वो वीक हो जाएगा, क्लाइंट्स को प्रॉब्लम होगी। तो हम धीरे धीरे यहाँ से इसको सीखते हैं। आप ये काउंट करके करिए 1 2 3 4, और सेम जब हम यहाँ से ब्लेंड करेंगे हमने सेम इस तरफ लेकर आएंगे, उसमें भी सेम करना है हमने 1 2 3 4। आप काउंट करके करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा। हाथ रोक के कीजिए, जल्दी मत कीजिए अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम इसको हम यूज़ करते हैं तो ये हीट भी हो जाता है, कई बार क्लाइंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। हमने बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। अब ये देखिए, ये मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, अब देखिए ये हल्का हल्का यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो रहा है। हमने जो नेचुरल नेल है उसको नहीं छू रहे हैं, हम सिर्फ जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं वो ऊपर जो हमारा नेल्स हमने टिप लगाई है उस पर कर रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम और अच्छी तरह से करेंगे। अब ये देखिए, जो हमारी जो ये लाइन थी ये पहले से देखिए, आप पहले वाली लाइन देखिए, आप ये पहले वाली लाइंस देखिए, और ये जो हमने अब इसको किया है ये देखिए, हमारा ये जितना भी हमने जो नेल एक्सटेंशन लगाया था और नेचुरल नेल से जो इसकी यहाँ पे हमने ब्लेंडिंग कर दी है तो ये हो चुका है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो नेल्स हैं हम इसको टिप कटर से जो होता है हम उसे कट कर लेंगे। तो आप ये हमेशा पहले कीजिएगा, मैंने पहले आपको ब्लेंडिंग सिखा दी है, लेकिन ब्लेंडिंग से पहले हमेशा हमें जो हमारे नेल्स टिप होते हैं उसे जितने भी क्लाइंट ने या आपने अपने नेल्स रखने हों हम उतना कट कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा थोड़े कम ही रखती हूँ, और ये हल्का सा एक्स्ट्रा रखिएगा कि जितना भी आपने कोई सी भी शेप देनी हो उसके अकॉर्डिंग। तो हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया है। अब उसके बाद जो हमारा ये शाइनिंग एरिया है हम इसको भी रिमूव कर लेंगे, और जब हम इसे रिमूव कर लेंगे उसके बाद जौन सी भी आपने शेप देनी हो आप वो दे सकते हो। तो सेम प्रोसीजर हम बाकी नेल्स पे भी करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने नेल की शेप बना ली है, और ये मैंने सारे जितने भी थे ये मैंने ब्लेंड कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल मर्जिंग अच्छी तरह से हो गई है जितने भी थे, और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।